नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांतनु राज यूट्यूब चैनल। मैं हूं शांतनु राज। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए होगा क्योंकि आज मैं आपको जो बताऊंगा कि आप अपने हार्ड ड्राइव को सी टूल से कैसे आप अपने स्कैन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सी टूल है और इस सी टूल का यूज करने से आप अपने हार्ड ड्राइव को काफ़ी अच्छे तरीके से पहले जैसा ला सकते हैं। और इसमें आपको रीडिंग स्पीड और राइटिंग स्पीड बहुत ही आपको फास्ट देखने को मिलेंगे इस सी टूल की मदद से। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इससे होगा कि मैं कुछ वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको टैग नोटिफिकेशन जाएगी और आप मेरे वीडियो से जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों, बिना देर किए चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूँ। और दोस्तों, मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, मुझे इसे ही बूटेबल करना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये 32 GB का पेन ड्राइव है, तो मैं इसे ही सी टूल की मदद से इसे बूटेबल बनाऊंगा, फिर मैं वापस से हार्ड डिस्क को स्कैन करूँगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ से इसे फाइल को देख लेता हूँ, तो मैंने कहाँ पर रखा है फाइल सी टूल, और वहाँ से मैं इसे बूटेबल बनाऊँगा। तो दोस्तों, मैं यहां से फोल्डर ओपन कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे सी टूल फोल्डर फॉर विंडो यहां पे है। तो मैं यहां से इसे खोल लेता हूं और आप देख रहे हैं यूएसबी बूट। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है यूएसबी बूट सी टूल कहां से डाउनलोड किया जाता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से मैं इसे यस कर लेता हूँ, ये सिंपल सा प्रोसेस है, ओके कर लेना, वापस से नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट कर लेना, और यहाँ से आपको यूएसबी सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप एच ड्राइव है, तो यहाँ से आपको दिखा देता हूँ ये 32 GB का पेन ड्राइव है जिसका लोकेशन एच है। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया और वापस से आपको एक्सेप्ट करना होगा, टिक करना होगा, उसके बाद क्रिएट करके यस करना होगा। तो दोस्तों, ये सिंपल सा प्रोसेस लेगा जिसमें आपको मिनट के आसपास इसमें टाइम लग सकते हैं। तो ये 10 मिनट के आसपास ये लेगा जिसमें से ये बूटेबल बना के आपको पेन ड्राइव दे देगा। और इसमें आपको बहुत सारे सी टूल के विंडो सॉफ्टवेयर होंगे जो बूट मेन्यू में वह काम करेंगे। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे और इस प्रोसेस को मैं होने देता हूँ। ये बूटेबल सक्सेसफुल्ली बनने वाला है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये पूरी तरह सक्सेसफुल हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और आप देख पा रहे होंगे ये पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है बूटेबल। तो दोस्तों, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ यूएसबी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसमें बहुत सारी फाइल कॉपी हो गई सी बूट की, और यहाँ आपका ऑटोमेटिक लिया जा रहा है नेम सी बूट। तो दोस्तों, मैं यहाँ से सिस्टम को रिस्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप इसे अंत तक देखें। तो दोस्तों, रिस्टार्ट होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। रिस्टार्ट होने के बाद आपको बूट की प्रेस करना है जिससे आपका सिस्टम बूटेबल होता है, और आपको उसे असाइन करके सेव करके एग्जिट हो जाना है। तो यहाँ से आपका बूटेबल लिया जाएगा। तो अब जो ये सिस्टम बूट हो रहा है वह पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, यहाँ से बूटेबल का प्रोसेस लिया जा रहा है और आप थोड़ा सा स्टेप वेट करेंगे तो आपका सी टूल खुल जाएगा। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ से ये बूटेबल लिया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सी गेट का ये सी टूल मेन्यू खुल गया है और आपको यहाँ पे सी टूल डायग्नोस्टिक शो होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये आपका बूटेबल लिया गया है पेन ड्राइव से। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये प्रोसेस लिया जा रहा है। तो यहाँ से आपको कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा। तो ये सी टूल बूटेबल का प्रोसेस हो रहा है और आपका यहाँ से आपको मेन्यू शो हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा वेट करना होगा और आपको यहाँ से सीगेट का मेन्यू खुल जाएगा जिसमें से आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। आप ओके क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सीगेट का एग्रीमेंट शो होता हुआ नज़र आ रहा होगा।
और आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। तो क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको सीगेट का ऐसा शो होगा। तो मेक श्योर आपको ध्यान रखना है कि आपका जो विंडो जिस पे ओएस पे लोड है वो आपका हार्ड डिस्क आपको यहाँ पता रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ मेरे ओएस सैमसंग हार्ड डिस्क पे है और ऊपर का जो हार्ड डिस्क देख रहे हैं वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जिसे मैंने इंटरनल बनाया है। तो दोस्तों स्कैन करने के लिए आपको यहाँ पे बेसिक टेस्ट में जाना है, उसके बाद आपको फिक्स ऑल में जाना है और आपको यहाँ दो ऑप्शन शो होगा, फास्ट और लॉन्ग। तो लॉन्ग पे क्लिक करना है। तो लॉन्ग पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज शो होगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये आपका एक मैसेज होगा जिसे आपको F8 प्रेस करके, आपको जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे तो यह स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यह एक वार्निंग मैसेज था कि आपका जितना भी डेटा हो उसमें आप कॉपी कर लें, नहीं तो वह जब स्कैन होगा तो वह पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो आप हार्ड डिस्क देख रहे हैं एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है जिसे मैंने खोल करके इसे इंटरनल बना दिया। तो दोस्तों अगर आपको नहीं आता है कि कैसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को इंटरनल बनाया जाता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक कर आप वॉच कर सकते हैं और आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को कैसे इंटरनल बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से स्कैन का प्रोसेस हो रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा और यहाँ से हो सकता है कि आपको कुछ घंटे का टाइम ले या फिर उससे ज़्यादा आपको पूरा दिन का टाइम ले। तो यहाँ से आपको सिस्टम को ओपन रखना है और आपका स्कैन का प्रोसेस इसे होने देना है। तो दोस्तों यह जो स्कैन लिया जाएगा यह आपके हार्ड डिस्क पे डिपेंड करेगा कि आपका हार्ड डिस्क कितना फास्ट था। अगर आपका डेटा आप अगर सेंड करते हैं तो आपका 0 MB/s अगर बताता है तो आपको यह बहुत टाइम लिया जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यह मेरे केस में 0 MB/s कॉपी होता था। तो उसमें आप देख रहे हैं कि यह 2 आवर के आसपास लिया जा रहा है। तो दोस्तों यह हो सकता है कि आपका पूरा दिन का टाइम लिया जाए, तो आपको इसे पूरी तरीके से होने देना है स्कैन। तो दोस्तों आप वीडियो को वॉच करें। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बीच में पावर इंटरप्ट ना हो, नहीं तो आपके हार्ड डिस्क के ख़राब होने के चांसेस हो सकते हैं, यह पूरी तरीके से डेड हो सकता है। और आपको यह पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि इसे बीच में पावर को कट ना होने दें और यह स्कैन का प्रोसेस पूरा रखना है।
तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं यह पास 100% शो हो गया और आपको हरा टिक यहाँ पे शो होता हुआ नज़र आ रहा होगा। तो यह सक्सेसफुली आपका हार्ड डिस्क स्कैन हो गया और आपके जो इशू थे रीड एंड राइट के वह पूरी तरीके से इस स्कैन के थ्रू फिक्स कर दिए गए होंगे। और दोस्तों आपको यहाँ से इसे इस सॉफ्टवेयर को एग्जिट जैसे ही करेंगे तो यह सॉफ्टवेयर आप ऑटोमेटिक इस सॉफ्टवेयर से बाहर हो जाएंगे और आपका जो बुटेबल जो होगा वो लीविंग बताया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ से मैं इसे एग्जिट कर लेता हूँ और यहाँ से आपका सिस्टम पूरी तरीके से पावर ऑफ हो जाएगा और इस प्रोसेस को थोड़ा सा टाइम लिया जाएगा, फिर आपका सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो गया होगा। फिर वापस से आप पावर ऑन करेंगे तो आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा और यहाँ से आपका बूट का प्रोसेस लिया जाएगा। तो दोस्तों मैं सभी प्रोसेस करता हूँ और आपको स्पीड से सिस्टम को ऑन कर आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यह डायरेक्ट ही सेलेक्ट बूट डिवाइस पे लिए जा रहा है। तो यहाँ से मैं हार्ड डिस्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपका बूट ऑप्शन में मैं लिए चलता हूँ अपने ओएस पे। तो दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ से आपको प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ और आपको रीड एंड राइट का स्पीड आपको यहाँ पे शो कर दूंगा। तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे सिस्टम जब तक ऑन हो। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सिस्टम पूरी तरीके से ओपन हो गया है और यहाँ से मैं आपको हार्ड डिस्क दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं विंडो ई प्रेस करता हूँ और आपको यहाँ पे माई कंप्यूटर पे लिए चलता हूँ। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे, यहाँ पे प्रोसेस लिया जा रहा है और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो मैंने इंटरनल बनाया था वो शो नहीं हो रहा है और यहाँ से आपको यूएसबी शो हो रहा होगा सी बूट। तो दोस्तों मैं आपको डिवाइस मैनेजर पे अपने हार्ड डिस्क को यहाँ से मैं रीइंस्टॉल करता हूँ। और तो दोस्तों यह पूरी तरीके से स्कैन होने के बाद यह आपके लोकेट अनलोकेट हो जाता है जिसे आपको लोकेट करना होगा। तो यहाँ से आप मैं कंट्रोल पैनल पे लिए चलता हूँ और यहाँ से मैं आपको डिवाइस मैनेजर पे लिए चलता हूँ जहाँ से आप देख पाए होंगे। तो दोस्तों ये डिवाइस मैनेजर पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे डिस्क ड्राइव में यहाँ पे शो हो रहा होगा आपको सीगेट का। तो यहाँ से आपको मैं डिवाइस मैनेजर पे लिए चलता हूँ और आपको यहाँ से मैं इस हार्ड डिस्क को शो करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैनेजेस खुल गया है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे शो हो रहा होगा और यहाँ से मेरी हार्ड डिस्क शो हो रही होगी आपको सीगेट का 1 TB। तो दोस्तों यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन शो हो गया कि आपको किस फॉर्मेट पर रखना है MBR या GPT पार्टीशन से। तो दोस्तों मैं यहाँ पे MBR ही रहने देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरी हार्ड डिस्क अनलोकेट जो हो रही थी वह पूरी तरीके से अब लोकेट के लिए तैयार हो गया। तो यहाँ से न्यू कर लेना आपको, साइन नेक्स्ट करके पूरी तरीके से फिनिश कर लेना है। तो नेक्स्ट करेंगे यह कौन सी लिया जाएगा, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यह कौन सा ड्राइव लेटर लिया जा रहा है। तो यहाँ से पूरी तरीके से शो हो जाएगा और जो आप रखना चाहते हैं आप अपने हार्ड डिस्क का यहाँ से आप नाम रख सकते हैं। तो यहाँ से मैं लोकल डिस्क कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ, वापस से फिनिश कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अनलोकेट जो 931 GB है वह पूरी तरीके से स्कैन होने के बाद यहाँ पे शो हो गया है। तो दोस्तों यह मेरी 1 TB हार्ड डिस्क है और अब मैं यहाँ पे आपको कोई भी ड्राइव से स्कैन कर आपको इसमें दिखाता हूँ कि कितनी यह आप देख पा रहे होंगे इतनी साइज है ऑडियो सॉन्ग की और इसे मैं अपने हार्ड डिस्क पे कॉपी करके डालूंगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आपको पता चल जाएगा रीड स्पीड। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्पीड शो हो गया।
कितने स्पीड से लिया जा रहा है कॉपी होने के बाद। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कितने स्पीड से ये रीडिंग लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका स्कैन होने के बाद वह पूरी तरीके से आपका जो एरर होता है वह डिस्क सेक्टर में जाके ये सी टूल उसे फिक्स कर देता है। तो दोस्तों आपने देखा कितने स्पीड से यहाँ पे कॉपी हुआ ऑडियो सॉन्ग। तो यहाँ से मैं अब आपको राइट स्पीड दिखाता हूँ, और इस फाइल के आप देखने हो इस फाइल की आप साइज देखे होंगे तो ये 2 GB का फाइल था। और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर लेता हूँ, और वापस से मैं इस फाइल को कट करके दूसरे ड्राइव में डालता हूँ। और यहाँ से आपको राइट स्पीड पता चल रही होगी कितने MB से पर सेकेंड से कॉपी लिया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही अच्छे स्पीड से लिया जा रहा है। जो आपका एक्चुअल हार्ड डिस्क स्पीड होती है वह यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप देख पा रहे होंगे सी टूल जिससे स्कैन करने पर आपका जो जितने भी हार्ड डिस्क के बैड सेक्टर होंगे वह पूरी तरीके से इस स्कैन के थ्रू फिक्स कर दिए होंगे, जिससे आपका एरर पूरी तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा ये कितने स्पीड से हुआ रीड एंड राइट का स्पीड। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये देखा होगा स्टेप, और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच किए होंगे, और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा यह वीडियो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने ये वीडियो देखे होंगे और आपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किए होंगे जिससे आपका हार्ड डिस्क पूरी तरीके से रिपेयर हुआ होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन जाएगी और आप मेरे वीडियो से जुड़ सकेंगे। तो दोस्तों आपको भी इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे फाय तो दोस्तों आपको भी इस रिपेयर रिलेटेड कुछ सवाल पूछना है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे या मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, फॉलो कर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।